हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके पे तो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले पार्ट्स में अपने फर्स्ट पार्ट में थर्टी फाइव क्वेश्चन किए थे सोल्व मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ फॉरेस्ट्री फॉर आईसीआर जीआरएफ एग्जाम तो फ्रेंड्स अब हम जो नेक्स्ट पार्ट में फिफ्टी क्वेश्चन स्टडी करेंगे इम्पोर्टेंट फिफ्टी क्वेश्चन तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें लाइक करें तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो पार्ट टू क्वेश्चन क्वेश्चन फिफ्टी क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें द क्यूलाडियो घाना नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट तो फ्रेंड्स Uh, अपने पास आप पेन कॉपी भी ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास आज लिस्ट लंबी है तो हम थोड़ा जल्दी इसको कवर करेंगे तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट right, आंसर uh, है राजस्थान में ये घाना नेशनल पार्क है नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम एंड मैग्नीज इन सॉयल वाटर आर मोर सोल्यूबल एट लो पी एच दैट इज ऑप्शन बी लो पी एच द सेंसेज मेथड फॉलोड फॉर एशियाटिक लॉइन इज ऑप्शन बी दैट इज वाटर होल Next question. Nutrient and water holding capacity of plants is, is very rich in which type of soil? That is B. Clay soils. Next question. Pure land theory was proposed by option A. Jonathan. Jonathan proposed the pure land theory. Next question. Which type of pyramid shows the amount of living tissue at each tropic level in an ecosystem? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी बायोमास पिरामिड। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी कौन सी सेंचुरी है द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सेंचुरी इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ दैट इज ऑप्शन सी राजस्थान हु गेव द स्टेटमेंट दैट वाटर इज द सोल न्यूट्रिय ऑफ प्लांट्स फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी जे बी नेक्स्ट क्वेश्चन टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यूज विद इन अ गिवन ट्रॉपिक लेवल इज नोन एज ऑप्शन ए बायोमास द रूट नॉट हैव इंटरक्शन विद विच ऑफ द फॉलोइंग दैट सोलेनेसिरम डेट सुनास सोलम स्ट्रेप्टोमाइसिस तो इसका जो फ्रेंड्स राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए सुडोमोनास सोलेनेसिरम कथा इज एक्सट्रक्टेड फ्रॉम फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का तो आप सभी को पता होगा कि कथा जो है वो अकेशिया से निकलता है तो ऑप्शन ए इसका राइट right ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन स्विस मेथड ऑफ फील्ड रेगुलेशन इज मेनली यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है इंक्रीमेंट ओनली दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट क्वेश्चन रोटेशन ऑफ एरेबल क्रॉप विद टू और मोर इयर्स ऑफ सोन पास्र इज कॉल्ड एज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ले फार्मिंग नेक्स्ट क्वेश्चन आईवीआई नोन एज इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स इज डन टू नो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव डोमिनेंस रिलेटिव डेंसिटी एंड ऑल ऑफ द अब तो फ्रेंड्स इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ द अब इसमें हम तीनों की एवरेज लेते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी रिलेटिव डोमिनेंस एंड रिलेटिव डेंसिटी इससे हमें अबंडेंस का पता चलता है किसी स्पीशीज का फिफ्टींथ द एम्बलम ऑफ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी जे एंड पांडा वर्ल्ड वाइड फंड नेक्स्ट क्वेश्चन द टॉलेस्ट ट्री इज तो फ्रेंड्स आउट ऑफ फोर द राइट ऑप्शन इज बी सिक्यूएस इम्परविनेस द इन इंडिया द ब्रेस्ट हाइट इज टेकन एज फॉलोइंग कौन से मेजर से ब्रेस्ट uh, हाइट लेते हैं हम क्या मेजरमेंट है वो तो फ्रेंड्स इन सभी में जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फोर फीट सिक्स इंचेस आप सभी से uh, मेरी रिक्वेस्ट uh, है कि कमेंट बॉक्स में मीटर्स में बताएं कि हम जो जनरली ब्रेस्ट हाइट इंडिया में वो कितने मीटर पे लेते हैं और जो दूसरी कंट्रीज है उनमें कितने पे लेते हैं ऑप्शन बी राइट आंसर फोर फीट सिक्स इंचीज नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी चेन्स आर इन अ माइल एक माइल में कितनी चेन्स होती हैं तो इसका जो राइट right ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी एटी द वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय तो फ्रेंड्स ये जो हाइपोथेसिस थी ये दी थी ऑप्शन बी बीडल एंड टेटम ने नेक्स्ट क्वेश्चन द डिजीज फायर ब्लाइट इज कॉज बाय द डिजीज फायर ब्लाइट ज बाय ऑप्शन सी बैक्टीरिया आप नोट कर सकते हैं ट्वेंटी वन नेशनल वाटर शेड प्रोग्राम फॉर रूरल एरियाज हैज बीन लॉन्च इन दर ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए नाइनटीन नाइनटी फाइव में नेशनल वाटर शेड प्रोग्राम जो है वो रूरल एरिया के लिए लॉन्च किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द विंड स्पीड इज नोन एज ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दैट इज एनिमोमीटर और ए, अगर हम बात करें बिल्कुल स्पेसिफिक तो कब काउंटर एनिमोमीटर इज यूज फॉर विंडस्पीड लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर इज नोन एज तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि पुअर मैन टिम्बर जो है वो बेम्बू को बोलते हैं और लॉयल टिम्बर ऑफ पुअर जो है वो ऑप्शन डी प्रोसोफिस जूली फ्लोरा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द अवेलेबिलिटी ऑफ फॉस्फोरस टू प्लांट्स

टल फॉर्मूला उसको हम और क्या बोलते हैं ग्लोरियस सिंप्लिसिटी द काई स्क्र टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ इट एंड इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट कम्स अंडर तो फ्रेंड्स दो टाइप के टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इन स्टेटिस्टिक्स टू टेस्ट द हाइपोथीज तो हमारे पास जो काई स्क्र टेस्ट है वो है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑप्शन बी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एग्रो इकोलॉजिकल जोन इंडिया इज डिवाइडेड इन टू हाउ मेनी जोन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एट एग्रो इकोलॉजिकल जो है इंडिया में जेनेटिक डायवर्सिटी इज मोर इन या इनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए दैट इज ने फॉरेस्ट स्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन बायोमेट्री बायोमेट्री इज नथिंग इट इज द फॉरेस्ट बायोमेट्री दैट डील्स विद द ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑब्जर्वेशन विद लिविंग थिंग्स फ्लडिंग ऑफ फील्ड विल हेल्प इन कंट्रोल ऑफ विच ऑफ दैस्ट कटवॉर्म वाइट ग्रब टर्माइ्स फ्रेंड्स जनरली जो फ्लडिंग करते हैं हम वाटर वाटर की फ्लडिंग करते हैं उससे ऑलमोस्ट इन सभी में कंट्रोल में हेल्प मिलती है तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिफिक नेम ऑफ डामर बी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसका जो राइट right, आंसर uh, है वो है ऑप्शन बी मेलिपोना इरेडीपेनिस नेक्स्ट क्वेश्चन द एवरेज वेदर कंडीशन प्रेवेलेंट इन एनी लोकलिटी इज नोन एज क्लाइमेट क्लाइमेट इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द मास मूवमेंट ऑफ प्लांट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड एज द राइट ऑप्शन इज माइग्रेशन द यूनिट ऑफ ईल्ड रेगुलेशन इन बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर फॉरेस्ट इज कॉल्ड एज द फेलिंग सीरीज फेलिंग सीरीज यूनिट है किसमें यील्ड रेगुलेशन में बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर फॉरेस्ट में नेक्स्ट द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म इन अ नेचुरल कम्युनिटी एस्टेब्लिशिज दैट इज फूड चेन फूड चेन में क्या है एनर्जी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है एक ऑर्गेनिज्म से अनदर में Average height of a regular crop is known as option B that is crop height. Next question concept of ecological pyramid was proposed by the option A is the right answer Elton 1927. Cane and bamboo technological technology center is located at that option C is the right answer Guwahati cane and bamboo technology center is located at Guwahati.

जो राइट right ऑप्शन होगी वो होगी सैंडलवुड नेक्स्ट क्वेश्चन हेड ऑफिस ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड एट ऑप्शन बी कोलकाता नेक्स्ट क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स इज थ्रेट फ्रेंड्स आउट ऑफ फोर, द लेपर्ड इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ थ्रेट नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी फोर्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज तो फ्रेंड्स इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बीट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट द इरोजन विच इज कॉज बाय द फॉलिंग ऑफ रेन ड्रॉप इज नोन एज इट द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर स्प्लैश इरोजन विच वन इज सॉल्यूबल इन वाटर पोलियोरेजन गम रेजिन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओलियोरेजिन नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेशन ऑफ टेम्परेचर विद लैटिट्यूड दैट इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेज लेटिट्यूड इंक्रीजेज और डिक्रीजेज तो फ्रेंड्स जो रिलेशन है बिटवीन टेम्परेचर एंड लैटिट्यूड वो नेगेटिव रिलेशन है दैट अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉप हाइट इज डिटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर लॉरीज फॉर्मूला नेक्स्ट क्वेश्चन द रिलेशनशिप अमंग गर्थ ओवर बार्क गर्थ अंडर बार्क

और फ्रेंड्स uh, मैं अब जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट भी इसका वीडियो का लाऊंगा तो उससे पहले आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट अच्छे से देख लें और आप इसके नोट्स बना सकते हैं और एक और बात कि जो uh, जे का एग्जाम है वो ट्वेंटी uh, टू uh, को uh, जे और एस आर एफ ट्वेंटी थ्री को सेप्टेम्बर को होने जा रहा है तो फ्रेंड्स आप अच्छे से प्रिपेयर करिए और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें थैंक यू